हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आपको तो पता ही होगा कि वीवो की जो एक्स सीरीज है वो फ्लैगशिप कैमरास के लिए जानी जाती है और इसी वजह से वीवो ने कैमरा इनोवेशन में अपना एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर रखा है। अभी कुछ टाइम पहले वीवो ने X50 सीरीज को इंडिया में लॉन्च किया था, जहां पर फर्स्ट टाइम आपको स्मार्टफोन कैमराज में गिम्बल कैमरा जैसी टेक्नोलॉजी देखने को मिली, जो इससे पहले आपको महंगे DSLR में देखने को मिलती थी। तो ये एक बहुत ही तगड़ा इनोवेशन था वीवो की तरफ से और इसी वजह से स्मार्टफोन में आपको जबरदस्त कैमरा एक्सपीरियंस करने को मिला। और अब वीवो इस X50 सीरीज के सक्सेसर 29 दिसंबर को वीवो X60 सीरीज को ऑफिशियल लॉन्च करने वाला है, जहां पर आपको बहुत ही जबरदस्त अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। गाइस, ऐसा बताया जा रहा है कि वीवो की जो X60 सीरीज होगी ये वर्ल्ड की सबसे थिनेस्ट 5G स्मार्टफोन सीरीज हो सकती है। बेसिकली यहां पर वीवो तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, X60, X60 Pro और X60 Pro Plus वेरिएंट, जो कि एक टॉप एंड वेरिएंट होगा। तीनों डिवाइस फ्लैगशिप कैटेगरी के डिवाइस होंगे और लॉन्च से पहले इन डिवाइस के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं। इवन वाइबो के ऊपर इनका एक हैंड्स ऑन अनबॉक्सिंग वीडियो भी लीक हो चुका है। सो देखने में डिवाइस काफी प्रीमियम है और काफी सिमिलर सा डिजाइन आपको देखने को मिलता है, जैसा आपको वीवो X50 के साथ में देखने को मिलता था। लेकिन जो अपग्रेड्स हैं, जो इस बार स्पेसिफिकेशन है, उनमें आपको काफी जबरदस्त अपग्रेड देखने को मिलेगा। बात करें कुछ मेजर स्पेसिफिकेशंस की, जिनमें सबसे पहला आता है डिवाइस का डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का एक फुल HD+ OLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जहां पर आपको इस बार साइड पंचोल की जगह सेंट्रल पंचोल मिलने वाला है, जो सैमसंग खासकर अपने स्मार्टफोन्स के अंदर देता है। ये जो डिस्प्ले पैनल होगा ये 120Hz के हायर रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करेगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसके अलावा ये जो डिस्प्ले पैनल होगा ये सैमसंग का E3 पैनल होगा, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस तरह की डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो डिस्प्ले वाइज तो आपको एक अपग्रेड देखने को मिलेगा, बट जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि जो Vivo X60 और X60 Pro होंगे वहां पर आपको एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन जो Pro Plus वेरिएंट होगा वहां पर आपको एक कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस डिस्प्ले के साथ में रहने वाला है। अगर बात करें कैमरास को लेकर, तो जो रेयर कैमरा है वहां पर आपको इस बार सेकंड जनरेशन का माइक्रो गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है। इसके अलावा कैमरा सेंसर्स में आपको यहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर जो मेन सेंसर है वहां ना तो आपको सोनी का सेंसर देखने को मिलता है और ना ही सैमसंग का, बल्कि इस बार आपको एक नया सेंसर देखने को मिलेगा जो है जाइस ऑप्टिकल का सेंसर, जो कि काफी पावरफुल कैमरा सेंसर बनाते हैं। और इससे पहले आप नोकिया के काफी सारे फ्लैगशिप फोन्स में ये सेंसर देख चुके हो। अगर कैमरा सेंसर की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वहां पर आपको F1.4 का अपर्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का एक सुपर वाइड एंगल लेंस और 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस मिलने वाला है। लेकिन कैमरा सेंसर में भी एक डिफरेंस है, जो X60 Pro और Pro Plus होगा वहां पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर एडिशनली आपको 8 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोप लेंस का सपोर्ट भी मिलने वाला है, जहां पर आपको 5x ऑप्टिकल जूम और 60x का डिजिटल जूम भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, सिर्फ कैमरा ही नहीं, यहां पर आपको परफॉर्मेंस भी काफी धांसू मिलने वाली है, क्योंकि Vivo X60 सीरीज में आपको फ्लैगशिप चिपसेट ऑफर करने वाला है। तो जो Vivo का X60 और X60 Pro वेरिएंट होगा वहां पर आपको Exynos का 1080 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक रिसेंटली लॉन्च चिपसेट है और 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस है, तो पावर एफिशिएंसी भी आपको काफी जबरदस्त मिलती है। इसके अलावा 5G कैपेबल प्रोसेसर है। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो आपको यहां पर टॉप क्लास परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर बात करें Vivo X60 Pro Plus वेरिएंट की, तो यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 888 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा। ये चिपसेट भी 5 नैनोमीटर बेस ही चिपसेट है, तो पावर एफिशिएंसी तो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। साथ में यहां पर आपको क्रायो 680 का CPU देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 865 में शायद आपको 585 का देखने को मिलता था। तो 865 के कंपैरिजन में यहां पर आपको 25% ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये चिपसेट एड्रीनो 660 के GPU के साथ में आता है, तो यहां पर आपको गेमिंग ग्राफिक्स काफी मक्खन देखने को मिलेगी और आपको नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये डिवाइस 7.3mm के थिकनेस के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर डिजाइन आपको काफी प्रीमियम देखने को मिलेगा। और आई थिंक आईफोन 12 सीरीज और 12 मिनी भी 7.3mm की थिकनेस के ऊपर ही आते हैं, तो देखने में डिवाइस काफी प्रीमियम होगा। अब अगर थिकनेस कम करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर बैटरी भी कम करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको 4500 या फिर 4700mAh तक की बैटरी देखने को मिल सकती है और साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर बात करें कलर वेरियंट की, तो ये डिवाइस 3 कलर वेरियंट में अवेलेबल होगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपको ओरिजिन ओएस देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंटली अभी वीवो ने लॉन्च किया है। और अगर बात करें रैम और स्टोरेज की, तो
ये डिवाइस LPDDR5X रैम के साथ में आएगा, जहां पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। मिनिमम 8GB, 128GB और 12GB, 256GB तक के वेरिएंट मिल जाएंगे। अगर बात करें लॉन्च डेट की, तो ये डिवाइस 29 दिसंबर को ऑफिशियल चाइना में लॉन्च होने वाला है और इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि ये डिवाइस 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग जो होगी वो मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होकर लगभग 70,000 तक जाने वाली है। अब वीवो यहाँ पर तीनों वेरिएंट लेकर आएगा या फिर सिर्फ दो वेरिएंट लॉन्च करेगा, ये तो आगे चलकर पता चलेगा। और देखते हैं वीवो किस प्राइस पॉइंट पर इस डिवाइस को लॉन्च करता है। सो फिलहाल के लिए वीवो X60 सीरीज को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।